हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल एस्क्रेट एकेडमी एजुकेटिंग इंडिया इन अ लूसिड वे। और मैं अमित वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं अपना अगला लेक्चर। हमने कल के लेक्चर में देखा था कि हम रूफ ट्रस को कैसे डिजाइन करते हैं। ठीक है, पहले तो हमने पढ़ा था कि ट्रसेस क्या होती हैं, उसके बाद हमने देखा था कि रूफ ट्रस क्या होता है, क्या यूज उसका होता है बिल्डिंग्स में। ठीक है, और फिर उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ रूफ ट्रस देखे थे, हमने टाइप ऑफ रूफ ट्रस भी देख लिए थे, और फिर हमने हमने देखा था कि रूफ ट्रस को कैसे हम डिजाइन करते हैं। ठीक है, क्या क्या उसका डिजाइन प्रोसीजर है, डिजाइनिंग कैसे करते हैं, और जो लोड्स उस पर आता है वो कैसे डिजाइन करते हैं। तो आइए अब इसी के बेसिस पर हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, जिससे आपको जो आपने पढ़ा है वो और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और उससे पहले हम स्टार्ट करें, मैं श्री रामसुर मेमोरियल यूनिवर्सिटी के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सभी का स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग सेफ होंगे अपने घर में इस लॉकडाउन के पीरियड में, और आप सभी लोग पढ़ रहे होंगे अच्छे से। ठीक है, तो आइए, ये लेक्चर हमने आपके लिए मोस्टली बनाया है, तो आप प्लीज इसको पढ़िएगा शुरुआत से लेकर के एंड तक। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। मैं अमित वर्मा, अगर आप मुझसे कनेक्ट होना चाहते हैं मेरी फेसबुक आईडी, मेरी ट्विटर अकाउंट एंड मेरा व्हाट्सएप अकाउंट ये है। ठीक है, तो आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपना एग्जांपल। तो एग्जांपल हमको एक क्वेश्चन दे रखा है, हमको डिटरमाइन द डेड लोड निकालना है, लाइव लोड फाइंड आउट करना है एंड विंड लोड निकालना है पर पैनल। ठीक है, तो रूफ ट्रस ऑफ द वर्कशॉप शेड कंस्ट्रक्टेड एट अहमदाबाद में एक रूफ ट्रस जो है वो कंस्ट्रक्ट हो रहा है फॉर द फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स। हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या दे रखी हैं, स्पैन ऑफ ट्रस दे रखा है 15 मीटर का, स्पेसिंग ऑफ ट्रस दे रखी है 4 मीटर की, राइज ऑफ ट्रस दे रखा है 3 मीटर का, एंड हाइट ऑफ ट्रस अबव ग्राउंड लेवल दे रखा है 20 मीटर का, और ACC शीट्स जो हमको दे रखी हैं एट द रेट ऑफ 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आर यूज्ड एट द रूफ कवरिंग। एंड सिक्स में क्या दे रखा है, अज्यूम वेट ऑफ पर्लिन एंड अदर फिक्स्चर्स एज 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर प्लान एरिया। ठीक है, तो जो पर वेट ऑफ पर्लिन एंड अदर फिक्स्चर्स का हमको वेट कितना दे रखा है, 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पर प्लान एरिया। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ पैनल्स कितने दे रखे हैं, 8 टोटल नंबर ऑफ पैनल्स हैं, एंड ओपनिंग ऑफ वॉल एरिया कितना दिया हुआ है, 10%, और प्रोबेबल लाइफ, ये दिस इज द लाइफ ऑफ रूफ ट्रस कितनी दे रखी है, 25 ईयर्स, एंड टेरेन कैटेगरी दे रखी है 3, एंड क्लास दे रखा है ए क्लास स्ट्रक्चर हमारा बनना है। ठीक है, और जो टोपोग्राफी है उस एरिया की क्या है, प्लेन हॉरिजॉन्टल ग्राउंड एंड अपवर्ड स्लोप लेस देन 3 डिग्री। ठीक है, अपवर्ड स्लोप लेस देन 3 डिग्री दे रखा है। अब हम देखते हैं कि जो हमको फॉलोइंग रिक्वायरमेंट्स दे रखी है इसका हम यूज करके, ठीक है, इन सभी रिक्वायरमेंट्स का यूज करके हम डेड लोड, लाइव लोड और विंड लोड पर पैनल जो आ रहा है कैसे निकालेंगे। जो जैसे कि मान के ये कोई रूफ है हमारी, तो इस रूफ का सब कुछ इंक्लूड करके, ठीक है, ये ट्रस हो गया, ट्रस में हमारा जो रूफ लगा हुआ है, दिस इज द रूफ, दिस इज द ट्रस। अब इस टोटल स्ट्रक्चर पर कितना डेड लोड आ रहा है, कितना लाइव लोड आ रहा है और कितना विंड लोड आ रहा है, ये सब हमको डिजाइन करना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये हमको ट्रस दे रखा है, ठीक है, स्पैन लेंथ 15 मीटर दे रखी है और राइज हमको 3 मीटर दे रखा है। ये हमारा एंगल है थीटा, ये हमारा था प्रिंसिपल राफ्टर, ठीक है, और इस पे हमारे रूफ पर्लिंस कुछ इस तरीके से लगे होते हैं। ठीक है, ये हमारे कुछ पर्लिंस इस तरीके से लगे होते हैं, दोनों साइड हम लगा देते हैं इस तरीके से, ठीक है, और इस पे हम शीटिंग कुछ इस प्रकार की एस्बेस्टोस शीट या फिर जो हमारे पास शीट अवेलेबल है उसको लगा देते हैं। ठीक है, तो ये हमारे हो गए क्या, पर्लिंस। ठीक है, दीज आर द पर्लिंस, ये सब सभी पर्लिंस हो गए, और ये हमारी ACC शीट जो हमको दे रखी है वो हमारी ACC शीट होगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है हमारा इस तरीके से, और हमको ये डिजाइन करना है, इस पे हमें डेड लोड निकालना है, लाइव लोड निकालना है और विंड लोड फाइंड आउट करना है कि कितना होगा। तो ये स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, हमारे पास टोटल 8 पैनल्स हैं, देख सकते हैं, एक पैनल ये, 2 3 4, तो 4 पैनल इधर और इस मिड पॉइंट के, और इस मिड पॉइंट के 4 पैनल इधर, 1 2 3 4 1 2 3 4 टोटल नंबर ऑफ 8 पैनल्स हमारे पास हो गए। ठीक है, तो टोटल 8 पैनल्स हो गए और जिसमें 4 पैनल दोनों तरफ होंगे। ठीक है, 4 पैनल ये हो गए और 4 पैनल ये हो गए। तो प्रिलिमिनरी कैलकुलेशन हम देख लेते हैं।
सबसे पहले हम प्रिलिमिनरी कैलकुलेशंस देखेंगे, तो उसमें हमें एंगल ऑफ रूट ट्रस दे रखा है, निकालना है एंगल ऑफ रूट ट्रस, तो अल्फा ठीक है, यानी कि जो एंगल है थीटा, यहाँ पे जो अल्फा एंगल था ये हमको निकालना है। तो ये हमारा हो गया स्पैन और ये हमारा हो गया प्रिंसिपल राफ्टर। तो ये पूरा ट्राइंगल, हाफ ट्राइंगल हम अज्यूम करें तो क्या आएगा, राइस हमको दे रखा है 3 मीटर का और लेंथ हमारी दे रखी थी 15 मीटर की, तो एल बाई टू करेंगे तो 7.5 मीटर आ जाएगा। तो अगर हम इस अल्फा को निकालना है हमको, तो क्या करेंगे, टैन अल्फा निकाल देंगे, टैन अल्फा इज इक्वल टू 3/7.5, तो हमें अल्फा की वैल्यू आ गई 21.80 डिग्री। ठीक है, फिर सेकेंड पॉइंट हमने एंगल निकाल दिया रूटर्स का, फिर हम निकालते हैं लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर। अब प्रिंसिपल राफ्टर की लंबाई कितनी होगी, हमें इसकी लंबाई निकालनी होगी, ये जो लेंथ है यहाँ से लेकर के यहाँ तक की लेंथ, मान लो ये कंप्लीट लेंथ कितनी होगी देख लेते हैं। तो ये लेंथ कैसे निकालेंगे हम, प्रिंसिपल राफ्टर ये लेंथ कैसे निकाल लेंगे, सिंपली थ्योरम लगा देते हैं हम, पाइथागोरस थ्योरम। तो ये वैल्यू हमको मिल गई 7.5 स्क्वायर + 3 स्क्वायर, तो कितना आ गया 8.0 मीटर गया, यानी कि जो प्रिंसिपल राफ्टर है हमारे पास ये बार ये कितना मिल गया 8.07 मीटर। ठीक है, अब थर्ड चीज निकालते हैं हाफ प्लान एरिया। हाफ प्लान एरिया क्या होता है, जब हम हाफ एरिया हाफ स्पैन को स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस क्या, एक ट्रस यहाँ पे होगा एक ट्रस यहाँ पे होगा, तो जो दोनों बीच की स्पेसिंग हमको 4 मीटर की दे रखी है, तो इस लेंथ को और ये इस लेंथ को जो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा आपका हाफ प्लान एरिया। ठीक है, तो ये निकाल लिया हमने 7.5 × 4 कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद हमने निकाला क्या, हाफ स्लोप एरिया। हाफ स्लोप एरिया कैसे निकालेंगे, जब हमारा हाफ जब हमारा हम प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ कंसिडर करेंगे। ठीक है, जब हम प्रिंसिपल राफ्टर की लेंथ कंसिडर करेंगे, यानी कि ये लेंथ ये जब हम ये वाली लेंथ कंसिडर करेंगे, तो ये हमारा कहलाएगा हाफ स्लोप एरिया। ठीक है, तो दिस लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर इनटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस। ठीक है, लेंथ ऑफ प्रिंसिपल राफ्टर इनटू स्पेसिंग ऑफ रूफ ट्रस करेंगे तो ये हमारा हाफ स्लोप एरिया कहलाएगा। तो हाफ स्लोप एरिया कितना आएगा, 8.07 × 4 = 32.31 मीटर स्क्वायर। तो ये हमारा कुछ वैल्यू आएगी 30 मीटर स्क्वायर। ठीक है, आगे देखते हैं, अब हमको निकालना है डेड लोड निकालते हैं हम। ठीक है, अभी हमने क्या निकाला था, ये हमारी प्रिलिमिनरी छोटी सी कैलकुलेशन थी जो हमको डेड लोड निकालने में या ऑल लोड निकालने में यूजफुल होती। ठीक है, तो हमने ये सारी वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हम निकालते हैं डेड लोड। डेड लोड निकालने के लिए आप रेफर कर सकते हैं IS कोड 875/1987 Part 1। ठीक है, और इस इन कोड्स को मैंने अपने इस लेक्चर में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप जाकर देख सकते हो उसमें। ठीक है, तो फिर आता है वेट। सबसे पहले आता है वेट ऑफ, या फिर आप अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आप नेट पे सर्च कर सकते हो। ठीक है, तो वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल कितना दिया हुआ है, अगर ACC शीट है हमारी एट द रेट ऑफ 150 न्यूटन पर mm² हमको दे रखा था। ठीक है, तो ये हमको दिया हुआ फॉर गिवन, AC शीट्स कितनी थी, 150 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारा था लोड इसका, ऑन स्लोप एरिया जो पर मीटर स्क्वायर था, किस पे था, ये स्लोप एरिया पे था। ठीक है, तो अगर हम इस वेट को स्लोप एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको टोटल वेट मिल जाएगा रूफिंग मटेरियल का, तो 150 × स्लोप एरिया कहाँ कितना आया था हमारा, स्लोप एरिया कितना आया था 32.31 मीटर स्क्वायर, क्योंकि आप जो एस्बेस्टो शीट आप प्रोवाइड करेंगे स्लोप में तो प्रोवाइड करेंगे इस तरीके से जो शीट है। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रस। ठीक है, ये आपका हो गया ट्रस इस तरीके से। अब जो ये आप प्रोवाइड करोगे एस्बेस्टो शीट है, ये स्लोपिंग एरिया ही पे जो डिवाइड करो मल्टीप्लाई करोगे और यही आपका स्लोपिंग एरिया है। ठीक है, हाफ स्लोप एरिया तो यही आपका स्लोपिंग एरिया है। तो अब जब हमको इसकी वेट निकालना होगा, किस मल्टीप्लाई करेंगे स्लोप एरिया से, तो 150 × 32.31, तो ये हमारा आ गया वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल। ठीक है, तो जो हमने ACC शीट का रूफ डाला है उसका हमने वेट निकाल दिया इतना। उसके बाद पर्लिन का वेट निकालेंगे। पर्लिन का वेट हमको दिया हुआ है 120 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन, ये हम लेंगे प्लान एरिया पर। ठीक है, तो प्लान एरिया पर लेंथ में ये रहेगा, तो ये हम लेंगे प्लान एरिया पर। तो वेट ऑफ पर्लिन कितना हो गया, 120 × 30, यानी कि 3600 न्यूटन आ गया हमारा वेट ऑफ पर्लिन। ठीक है, तो हमने निकाल दिया वेट ऑफ रूफिंग मटेरियल, फिर वेट ऑफ पर्लिन निकाल दिया। अब आते हैं सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस। ये ट्रस हम बनाया हुआ है हमने, अब इस ट्रस का भी तो वेट निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, इस फॉर्मूले से हम वेट ऑफ रूफ ट्रस निकाल लेंगे, 10 × 10 × span/3+5। तो ये हमने वैल्यूज पुट कर दी और ये हमने निकाल दिया सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस कितना आया, 100 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन। ये रूफ ट्रस का एरिया किस पर आएगा,
प्लान एरिया पर रहेगा, ठीक है। तो हेंस सेल्फ वेट कितना निकलेगा, प्लान एरिया से मल्टीप्लाई करते हैं, प्लान एरिया कितना था हमारे पास 30 था, तो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया हमें, तो ये आ गया 3000 न्यूटन, ठीक है। उसके बाद हम लेंगे विंड ऑफ वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग। देखो देखिए विंड ब्रेसिंग हम वेट तब लेते हैं, वैसे हम आप चाहो तो नहीं ले लो, लेकिन जहां पर हैवी कंस्ट्रक्शन होता है, हैवी इंडस्ट्रियल वर्क एरिया वर्क होता है, तो वहां पर हम विंड ब्रेसिंग का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो वहां पर हम विंड ब्रेसिंग को भी अकाउंट करेंगे। और अगर आप नॉर्मल टेंट शेड के लिए ले रहे हो या हाउसेस के लिए डिजाइन कर रहे हो, तो वहां पर आपको विंड ब्रेसिंग का इस्तेमाल, विंड ब्रेसिंग नहीं भी लोगे तो भी आपको चलेगा, ठीक है। तो ये एक हमने यहाँ पे आपको लेके दिखा दिया है कि अगर उसको कंसिडर करते हैं तो क्या हमारे पास इफेक्ट पड़ेगा। तो जो विंड वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग होती है, ये होती है, इसका जो वेट होता है 12 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया हम निकालते हैं, ठीक है। इतना मिनिमम हम लेते ही लेते हैं विंड ब्रेसिंग में, तो वही हमने आपको वैल्यूज पुट कर दिया है। तो वेट ऑफ विंड ब्रेसिंग कितना हो गया, 12 × 30 = 360 न्यूटन, ठीक है। तो अब हमने हमारे पास सारे की पूरा डेड लोड निकाल लिया हमने, अब देखते हैं फाइनल डेड लोड कितना आएगा। अब जो हमने फोर वैल्यूज निकाली हैं, फर्स्ट ये एसी शीट की रूफ कवरिंग का मटेरियल का लोड, फिर बर्लिन का वेट, फिर सेल्फ वेट ऑफ रूफ ट्रस, जो ट्रस है इसका वेट, और फिर हमने जो विंड ब्रेसिंग ली है उसका वेट, तो कितना आ गया, तीनों चारों जोड़ देंगे, कितना आया 118.06.5 न्यूटन, ठीक है। एज वी हैव टेकन, अब क्योंकि हमने हाफ ट्रस लिया हुआ है, हमने जब डिजाइन किया था हमने बताया था आपको ये ट्रस था, चार पैनल आपके इस साइड थे, चार पैनल आपके इस साइड थे, ठीक है। तो हमने क्या किया है कि वी हैव टेकन हाफ ट्रस, क्योंकि हमने हाफ ट्रस लिया है तो इस पैनल पॉइंट का हाफ पॉइंट यहाँ पे लेंगे और इस पैनल पॉइंट का हाफ पॉइंट यहाँ पे लेंगे। तो इस तरीके से मान लीजिए अगर आपका रूफ ट्रस डिजाइन भी है, ठीक है, इस तरह से अगर आपका रूफ ट्रस कुछ डिजाइन है तो कितने पैनल पैनल पॉइंट्स हो गए, एक पैनल पॉइंट ये, एक पैनल पॉइंट ये, एक पैनल पॉइंट ये, तीन पैनल पॉइंट ये हो गए और हाफ इसका, हाफ इसका, ठीक है। तो ये आपके एंड के जो पैनल पॉइंट्स होंगे इसको हम हाफ लोगे, तो टोटल पैनल पॉइंट्स कितने हो गए, फोर, ठीक है। टोटल पैनल पॉइंट्स हमारे पीपी मतलब पैनल पॉइंट्स कितने हो गए, फोर, तीन ये इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट्स और ये आपके हो गए और हाफ एंड एंड पॉइंट इसका और हाफ इसका, तो हाफ हाफ मिलके हो गया एक, ठीक है। तो ये कंप्लीटली हो गए फोर पैनल पॉइंट, ठीक है। तो दे विल बी फोर फुल पैनल पॉइंट्स होंगे, ठीक है। हेंस डेड लोड ऑन पर पैनल, अब हर एक पैनल पॉइंट पर क्योंकि चार पैनल पॉइंट है तो पर पैनल पॉइंट पर पैनल पर वेट कितना होगा, डिवाइड बाई फोर कर दे सिंपली, तो 11806.5 डिवाइड बाई फोर कर दिया तो कितना है 29.51.6 न्यूटन, ये आ गया हमारा डेड लोड पर पैनल पॉइंट, ठीक है। अब हम निकालते हैं कि ये आप ये हमारे इंटरमीडिएट पैनल में, यानी कि जो फुल पैनल पॉइंट है और ये जो एंड पैनल पॉइंट है, इन पे वेट कितना होगा। अब ये जो फुल पैनल पॉइंट्स हैं उन पे तो हमारा वेट इतना ही रहेगा 2.95 किलो न्यूटन जो चारों पैनल पे है, लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे हमने हाफ कंसिडर किया था और ये पैनल भी हमने हाफ कंसिडर किया था, तो हम क्या करते हैं इसको डिवाइड बाय टू कर देते हैं। जब इसको हम डिवाइड बाय टू कर देंगे तो हमको 1.47 किलो न्यूटन इस पे मिल गया, वन कितना इस पे कितना मिला 1.47 किलो न्यूटन और हाफ हमको इस पे मिल गया 1.47 किलो न्यूटन, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमने हर पैनल पॉइंट पे कितना लोड आ रहा है, डेड लोड, ये हमने डिजाइन कर दिया, ठीक है। अब देखते हैं आगे बढ़ते हैं, अब हम निकालते हैं लाइव लोड कैलकुलेशन, ठीक है। ये रेफर कर सकते हैं आप IS 875/1987 Part 2 से, ठीक है। तो अब देखते हैं लाइव लोड ऑन पर्लिन कैसे निकालते हैं। दिस इज ये फॉर्मूला है 750 − 720 × α − 10 N·m², अल्फा दे रखा है 21.8, तो हमने वैल्यू निकाली कितनी आई 4514 N·m². अब यहाँ पे एक बहुत ही नोट करने की चीज़ है, अगर ये वैल्यू ये वैल्यू हमारी 400 N·m² से बड़ी है, ठीक है, इफ लाइव लोड ऑन पर्लिन इज लेस देन 400 N·m², देन टेक द मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 400 N·m², ठीक है। अगर आपकी वैल्यू ये 400 से कम आती, मान लीजिए जो 514 आया है ये आपका 350 आता, ठीक है, अगर 514 की बजाय ये हमारा आता 350, तो हम क्या करते कि हमको मिनिमम वैल्यू 400 लेनी ही लेनी है, तो हम क्या करते जो क्या करते जो वैल्यू 350 आई है इसको हम 400 मान लेते, ठीक है। अब क्योंकि जो वैल्यू 514 आई है ये 400 से हमारी बड़ी है, तो हम किसे किसे लेंगे, हम 514 को ही अडॉप्ट कर लेंगे, ठीक है। तो हेंस वी टेक मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 514 N·m². अब लाइव लोड ऑन रूफ ट्रस कितना होगा, दिस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ 5/14,
5:14 ठीक है, जो लाइव जो बर्लिन पर लाइव लोड आ रहा है इसका 2/3 वेट लेंगे, तो कितना हुआ 342.67 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर ऑन प्लान एरिया। क्योंकि क्योंकि प्लान एरिया पे ले रहे हैं हम, तो ×30 कर दिया हमने, तो ये टोटल लोड कितना आ गया 10,280 न्यूटन। अब मैंने बताया था, अब पैनल पॉइंट हमारे पास कितने थे, एक दो तीन पैनल पॉइंट्स थे इंटरमीडिएट वाले, ठीक है, जैसे कि ये आपका ट्रस था, ये आपका ट्रस था, ये आपके चार पैनल पॉइंट्स थे, ये आपके हो गए एंड पैनल पॉइंट, ये आपके हो गए इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट, ठीक है। तो इंटरमीडिएट पैनल पॉइंट पे डिवाइड करेंगे तो टोटल लेंगे टोटल फोर पैनल पॉइंट्स हैं, एक दो तीन चार, ठीक है, क्योंकि हाफ इसका था हाफ इसका था और तीन ये थे, तीन प्लस हाफ ऑफ कितना हो गया फोर पैनल पॉइंट्स। तो इंडिविजुअल पैनल पॉइंट्स पे कितना कितना आएगा हमारा, टू से इतना हमने इस टोटल वैल्यू को हमने 4 से डिवाइड कर दिया, 2.5 2570 न्यूटन कह सकते हो, या 2.57 किलो न्यूटन कह सकते हैं। अब एंड पैनल पॉइंट, अब ये पैनल पॉइंट, ये हमारा एंड पैनल पॉइंट है, ये भी हमारा एंड पैनल पॉइंट है, तो इन पे कितना वेट आएगा 1.28 किलो न्यूटन, यानी कि 1285 न्यूटन या कह सकते हैं, या फिर 1.28 किलो न्यूटन हम कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब हम लेते हैं विंड लोड, अब हमें डिजाइन करना है विंड लोड, ठीक है। अब विंड लोड डिजाइन करने के लिए आप रेफर कर सकते हो पार्ट 3 IS-875/1987 का, ठीक है। उससे पहले ठीक है, तो डिजाइन विंड स्पीड हमको निकालनी पड़ेगी, ये हम देख सकते हैं हमारा IS कोड में पेज नंबर 8 VZ फॉर्मूला दिया हुआ है, VZ = VB K1 K2 K3 मीटर पर सेकेंड। तो डिजाइन विंड स्पीड हम निकाल सकते हैं VZ से, तो VB की वैल्यू हम पहले देख लेते हैं। तो जो बेसिक विंड स्पीड है, VB क्या है, बेसिक विंड स्पीड, तो अगर हम हमको जो जोन दे रखा है वो क्या दे रखा है, शहर क्या दे रखा है, अहमदाबाद दे रखा है। अब हम क्या कहते हैं एनेक्शन ए से हम देख लेते हैं जो बेसिक विंड स्पीड है कितनी है, तो अहमदाबाद की बेसिक विंड स्पीड जो दे रखी है कितनी है 39 हमको दे रखा है मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ से हमें पता चल गया कि जो अपेंडिक्स ए से ये हमारा IS कोड है, ठीक है, दिस इज IS कोड। यहाँ मैंने आपको फिगर बता दी है आपको इजी समझाने के लिए, 75/1987, ठीक है। तो ये हमारा IS कोड है, तो हमने यहाँ से ये वैल्यू एडॉप्ट कर ली, तो कितना आया VB 39 मीटर पर सेकेंड आ गया अपेंडिक्स ए से। उसके बाद हमें K1, K2, K3 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब ये K1, K2, K3 भी हम कोड की मदद से ही फाइंड आउट करेंगे, हम देखते हैं कैसे निकालते हैं, और ये सब क्या है, ये हमारे कोएफिशिएंट्स हैं, ठीक है। सबसे पहले हम निकालते हैं K1 की वैल्यू, K1 इज व्हाट, इट इज दिस इज अ रिस्क कोएफिशिएंट, हम देखते हैं K1 इज अ, इस टेबल में हमें 6.3.1 क्लॉज में हमको दे रखा है टेबल 1 में कि हम K1 की वैल्यू इसमें कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, कैसे निकालते हैं देख लेते हैं। अब क्योंकि हमको जो स्ट्रक्चर थी, मैक्सिमम प्रोबेबल लाइफ दे रखी कितनी 25 ईयर्स दे रखी थी क्वेश्चन में, और जो बेसिक विंड स्पीड हमारे पास आई है कितनी आई, अहमदाबाद की बेसिक विंड स्पीड कितनी आई है 39 मीटर पर सेकेंड, तो बेसिक विंड स्पीड कितनी ली थी 39 मीटर पर सेकेंड, तो मीन लाइफ में और 39 बेसिक विंड स्पीड कितना आया हमारा, जो मैच वैल्यूज मैच करेंगे तो इट विल बी 0.92। और एक चीज और आप देखोगे कि यहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग अदर दिस जो वैलिड है, ये बिल्डिंग्स अदर देन रेजिडेंशियल बिल्डिंग के लिए वैलिड है, यानी कि इंडस्ट्रियल बिल्डिंग ऑटोमेटिकली इसमें इंक्लूड हो गई, ठीक है। तो यानी कि प्रोबेबल लाइफ हमको 25 दे रखी है एंड बेसिक विंड स्पीड हमको 39 दे रखी है, तो इसके अकॉर्डिंग जो हम वैल्यू एडॉप्ट करेंगे दिस विल बी 0.92। तो हमने K1 की वैल्यू कितनी अडॉप्ट कर ली 0.92, ठीक है। तो हमने यहाँ पे देखा K1 की वैल्यू हमने 0.92 अडॉप्ट कर ली, ठीक है, क्योंकि हमको लाइफ दे रखी थी 25 ईयर्स और बेसिक विंड स्पीड हमने यहाँ पे निकाली थी कितनी थी 39 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब निकालते हैं K2 की वैल्यू, टेरेन हाइट एंड स्ट्रक्चर को साइज कोफिशिएंट। अब टेरेन की हाइट हम टेबल 2 से फाइंड आउट करेंगे कैसे, आइए देख लेते हैं। जैसे ये हमें टेबल 2 दे रखी हुई है, अब हमको जो बिल्डिंग की कैटेगरी दे रखी थी, स्ट्रक्चर की कैटेगरी थी 3, ठीक है, थर्ड क्लास स्ट्रक्चर की कैटेगरी थी, और जो हमको हाइट दे रखी थी कितनी है थी 20 मीटर हमको हाइट दे रखी थी। देख लीजिए हमको क्लास ए बिल्डिंग थी, क्लास ए बिल्डिंग का स्ट्रक्चर था, कैटेगरी 3 थी और हाइट 20 मीटर हमको गिवन था क्वेश्चन में, तो हाइट दे रखी थी कितनी 20 मीटर और कैटेगरी के क्या थी 3, तो यानी कि इन दोनों के अकॉर्डिंग हमारा वैल्यू जो आएगी दिस विल बी 1.01, ठीक है, यानी कि K2 की वैल्यू आ गई 1.01। अब K3 क्या है, दिस इज द टोपोग्राफिकल टोपोग्राफिकल फैक्टर, और ये हम देख लेते हैं टोपोग्राफिकल फैक्टर क्या है,
और अब इसमें आप देख सकते हो कि जो हमको अपर स्लोप दे रखा था दिस वाज गिवन एज लेस देन 3 डिग्री, क्वेश्चन में आप ये चीज देख सकते हो। तो अब टोपोग्राफिकल फैक्टर यहाँ पे दिया हुआ है द इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी, ये हमारा 6.3.1.33 है जिसमें हमने आईएस कोड से इसको लिया हुआ है, ठीक है। तो ये क्या है कि वैल्यू ऑफ K3 हम निकाल कैसे, द इफेक्ट ऑफ टोपोग्राफी शैल बी सिग्निफिकेंट एट अ साइट व्हेन अपविंड स्लोप यानी कि थीटा इज मोर देन अबाउट 3 डिग्री, ठीक है। और जब मोर देन 3 डिग्री हो तब इसको हम इफेक्ट कॉन्कॉर्ड करेंगे, बट अगर बिलो है, अगर 3 डिग्री से बिलो है देन द वैल्यू ऑफ K3 मे बी टेकन टू बी इक्वल टू 1, ठीक है। वेरी मच इक्वल, अगर हमारा थीटा की वैल्यू 3 डिग्री से कम है तो हम K3 की वैल्यू कितनी अडॉप्ट करेंगे, 1, ठीक है। तो हमें K3 की वैल्यू कितनी अडॉप्ट करनी पड़ेगी, 1, क्यों, क्योंकि हमारा थीटा लेस देन 3 डिग्री है, हेंस हमने K3 की वैल्यू अडॉप्ट कर ली 1, ठीक है। अब हम फाइंड कर लेते हैं वैल्यू, तो VZ की वैल्यू हमने कितनी निकाल ली, VB इंटू K1 K2 इंटू K3, तो वैल्यू हमने यहाँ सब्सटीट्यूट कर दी सबकी, हमारी वैल्यू बदल गई, VZ इज इक्वल टू 36.23 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो कि कोड ने हमारा वैल्यू कितनी कितनी इजीली हमने कोड को रिफर करके यहाँ पे वैल्यूज निकाल ली, और हमने डिजाइन कर रहे हैं जो हमें लोड प्रूफ ट्रस पर लोड जितना आ रहा है, ठीक है। तो कोड हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एज अ सिविल इंजीनियर आपको कोड अपने पास रखने चाहिए फॉर द लाइफ लॉन्ग के लिए, ठीक है। तो अब सेकेंड चीज हम बेसिक डिजाइन विंड प्रेशर निकाल लेते हैं PZ, तो विंड प्रेशर कैसे निकालते हैं, ये फॉर्मूला दे रखा है, ये भी कोड में हमारा मेंशन है, दिस इज फॉर IS कोड, ये भी हमने IS कोड से लिया होगा। तो यहाँ पे वैल्यू हमको दे रखी है PZ की 0.6 VZ स्क्वायर, तो PZ वैल्यू हमने निकाल दी 0.6 VZ स्क्वायर से, तो VZ कितना लिख दिया हमने 36.23 मीटर पर सेकेंड वैल्यू, यहाँ से लिख ली VZ की वैल्यू। अब जो वैल्यू आई डिजाइन विंड प्रेशर का कितना आया 787.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं विंड लोड, अब निकालेंगे विंड लोड एफ, ठीक है। अब विंड लोड एफ हम कैसे निकालते हैं, ये हमें ये भी हमने IS कोड के एक फॉर्मूला दे रखा है, एफ इज इक्वल टू CPE प्लस माइनस CPI इनटू APZ, ठीक है। अब ये CPE क्या है, CPE इज द एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशियंट और CPI इज द इंटरनल प्रेशर कोफिशियंट, ये एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशियंट हो गया, ये आपका इंटरनल प्रेशर कोफिशियंट हो गया, ठीक है। अब मान लो हमें जो बिल्डिंग दे रखी है, जो स्ट्रक्चर दे रखा है हमको, 20 मीटर की हाइट दे रखी है और 15 मीटर का ये विड्थ या स्पैन दे रखा था, ठीक है। अब पता है ये बिल्डिंग जो ये जो स्ट्रक्चर दे रखा है कहीं ना कहीं से तो खुला होगा, तो जो हवा बाहर से अंदर की ओर आएगी ये बाहर की ओर प्रेशर लगाएगी, तो दिस विल बी द एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट, और ये सॉरी दिस विल बी द इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट, और जो बाहर से प्रेशर लगेगा दैट विल बी इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट, ठीक है। तो अब की वैल्यू डिपेंड करेगी एच बाय डब्ल्यू पर, दिस वैल्यू इज एच एंड दिस वैल्यू इज डब्ल्यू, विद एच बाय डब्ल्यू वैल्यू हमारी आ रही है 1.33, ठीक है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी दी, गिवन थी 21.8 डिग्री। अब इसके लिए गाइस हम निकालेंगे विंड एंगल थीटा 0 डिग्री पर निकालेंगे और थीटा 90 डिग्री पर निकालेंगे। अब क्यों, हमें पता है विंड इधर से भी लग सकती है और मैक्सिमम विंड इधर लगेगी और मिनिमम विंड इधर से लगेगी, यानी कि जो विंड का डायरेक्शन होगा वो 0 से 90 डिग्री ही वैरी करेगा, तो मैक्सिमम आपका 90 डिग्री पर और मिनिमम आपका 0 डिग्री पर, ठीक है। अब कोई भी स्ट्रक्चर है उसके हमें पता है जब विंड यहाँ से ब्लो करेगी इस डायरेक्शन में, तो दिस विल बी द विंडवर्ड साइड और ये हमारा लीवर्ड साइड होगा, ठीक है। और जब विंड 90 डिग्री ब्लो कर रही है तो इट विल बी ये आपका विंडवर्ड साइड होगा और ये आपका लीवर्ड साइड होगा। तो हमने EF और GH ले रखा है, विंड एंगल थीटा 0 डिग्री पर, अगर 0 डिग्री एंगल है तो EF और GH ले रखा है, और अगर तो स्लोप हमारा 90 डिग्री है, सॉरी विंड एंगल अगर हमारा 90 डिग्री है तो हमने क्या EG और FH ले रखा है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं ये, अगर EF साइड पर यानी कि EF साइड पर क्या है, एंगल हमारा दे रखा है 21.8 डिग्री और इंटरपोलेटिंग। अब हम उनको क्या करना पड़ेगा, अब क्रॉस इस एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट उनको निकालना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है। अब हमें पता है जो एक्सटर्नल प्रेशर कोफिशिएंट्स किस पे डिपेंड करता है, एच बाय डब्ल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर ये वैल्यू 1/2 से कम है तो आप ये वाला से निकालोगे, और आपकी वैल्यू एज 1/2 से 3/2 के बीच में तो आप ये रो का इस्तेमाल करोगे इस रो का, और अगर आपकी वैल्यू 3/2 से 8 के बीच में 5 के बीच में तो आप ये इसको अडॉप्ट करोगे, ठीक है।
अगर हिस्ट्री बाय टू से ई वाले रखी आप इस बीच में है तो आप उससे तो आप या ले लो एडॉप्ट करोगे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं हमारे कमाई के वैल्यू की एच बाई डब्ल्यू की 1.33, 1.33 थी, तो दैट मीन दैट लाई बिटवीन हाफ एंड 3/2। ठीक है, तो हम यही यहाँ से अडॉप्ट करके हम प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब क्योंकि हमारा जो रूफ एंगल दे रखा है कितना 0 डिग्री दे रखा है, तो पहले हम 0 डिग्री पे निकाल लेते हैं। तो 0 डिग्री पे दे रखा है और रूफ जो एंगल हमारा आया था वो कितना था 21.8 डिग्री, यानी कि 21.8 डिग्री दे रखा है। यहाँ पे 21.8 डिग्री होगा, ये वैल्यू किस बीच में लाई करेगी 20 और 30 के बीच में, ये तो जाहिर सी बात है। तो विड्थ फॉर 0 डिग्री निकालने के लिए यहाँ पे 20 के भी अकाउंट फॉर दे रखा है 0.7 और 30 के अकाउंट फॉर दे रखा है -0.2। तो गाइस जो ये माइनस साइन है ये इंडिकेट कर रहा है सक्शन, ठीक है, जैसे कि वैक्यूम। ठीक है, तो ये सक्शन इंडिकेट कर रहा है माइनस साइन। तो अब अगर जो वैल्यू हमको दे रखी है 21.8 दे रखी है, ये तो यानी कि हमको 20 और 30 के बीच में इंटरपोलेट करके वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो यानी कि 30 इंटरपोलेशन कैसे, बहुत ही इजी है इंटरपोलेशन, कुछ नहीं करना है। 30 - 20 कितना हुआ 10 डिग्री, 10 डिग्री, और फिर यहाँ पे 0.2 - 0.7 कितना हुआ, दिस इज 0.5 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पे हमने आपको दिखा रखा है 10 डिग्री पर करस्पॉन्ड कितना डिफरेंस आया 0.5। ठीक है, क्लियर, क्यों ठीक है। 30 - 20 कितना हुआ 10, और यहाँ पे 0.2 - 0.7 - 0.2 - 0.77 कितना हुआ 0.5। ठीक है, तो ये हमारा डिफरेंस दे रखा है आपको, यहाँ पे हमने वैल्यू आपको दे रखी है 10 डिग्री के डिफरेंस में हमारा कितना आया 0.5। और अब क्योंकि 21.8 डिग्री पे हमको फाइंड आउट करना है, 21.8 - 20 कितना आया 1.8, तो 1.8 के करस्पॉन्डिंग कितना आया 0.09। तो अगर हमने सीपी की वैल्यू तो वी वैल्यू कितनी आई 0.09। ठीक है, ऐसे 0.2 प्लस किया हमने तो ये आ गई कितनी 0.09। तो सीपी इज एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट, तो वैल्यू हमने निकाल ली -0.7 -0.09 से, इसका यूज करके तो हमारी वैल्यू आ गई सीपी की -0.61। ठीक है, अब हमने ये निकाला ई एफ साइड पर और जी एच साइड पे, क्या निकाला, अगर हमारा जी एच साइड है, जी एच साइड पे देखेंगे आप ये दोनों ही वैल्यू 0.5 0.5 दे रखी हैं, तो हमने इसको एज इट इज 0.5 -0.5 एडॉप्ट कर लिया। ठीक है, अब निकालते हैं फोर थीटा 90 डिग्री के लिए, जब विंड एंगल 90 डिग्री है, तो अब ई एच साइड है फॉर विंड एंगल 90 डिग्री। ठीक है, ये कौन सा ई जी साइड है, तो ई जी साइड के हम देख लेते हैं यहाँ पे कितनी वैल्यू है 0.8 और 0.8, यानी कि तो -0.8 वैल्यू हमने यहाँ पे दोनों में -0.8 है, तो हमने दोनों इस वैल्यू सीपी वैल्यू ले ली -0.8 21.8 के करस्पॉन्डिंग। अब क्योंकि अब एफ एच साइड देख लेते हैं, अब एफ एच साइड है यहाँ पे वैल्यूज डिफरेंट है, यहाँ पे 0.0 यहाँ पे वैल्यूज दोनों ही डिफरेंट है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने फिर से डिफरेंस निकाल करके और वैल्यू फाइंड आउट करके सीपी की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये आई हमारी 0.636। ठीक है, तो अभी वैल्यू हमने निकाल ली। अब जो मैक्सिमम वैल्यू, जो ये चार वैल्यूज में से जो सीपीई की मैक्सिमम वैल्यू होगी नेगेटिव साइन को हटा करके, तो कौन सी है वो 0.61, 0.8, 0.636 और 0.5, तो यानी कि मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 0.8। तो हम हेंस अडॉप्ट कर लेंगे सीपीई की एक्सटर्नल प्रेशर कोएफिशिएंट की मैक्सिमम वैल्यू 0.8। ठीक है, तो मैक्सिमम वैल्यू आ गई 0.8, तो हमने 0.8 अडॉप्ट कर ली सीपीई की। ठीक है, अब निकालेंगे सीपीई हमने निकाल लिया, अब निकालते हैं हम इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट। इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट के लिए हमने ये क्लॉज 6.2.3 पेज 27 पे हमने देख लेंगे, वॉल ओपनिंग हमको 10% दे रखी है, तो यहाँ पे हमने ये आपको आईएस कोड में से दिया हुआ है कि बिल्डिंग विद मीडियम ओपनिंग बिटवीन 5 to 20% ऑफ वॉल एरिया विल बी एग्जामिन फॉर एन इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट ऑफ +0.5 एंड लेटर विच विद एन इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट ऑफ -0.5। ठीक है, यानी कि एनालिसिस व्हाइल विच रिड्यूसेस ग्रेटर डिस्ट्रेस ऑफ द मेंबर शैल बी एडॉप्टेड। ठीक है, यानी कि सीपीआई विल बी वैल्यू कितनी दी है +-0.5 इंटरनल प्रेशर कोएफिशिएंट वैल्यू दे रखी है, तो अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं सीपीई की -0.8 और सीपीआई की -0.5, तो इट विल कम इनटू एरिया इनटू पीज, तो इनटू एरिया इनटू स्लोप एरिया हमने यहाँ पे लिया है। ठीक है, क्योंकि जो ये विंड ब्लो कर रही है वो स्लोप एरिया में ब्लो करेगी, तो दिस विल बी व्हाट
हमने स्लोप एरिया दिखा देते हैं आपको। 32 क्या था? स्लोप एरिया, ठीक है, ये हमने निकाला था स्लोप एरिया कितना था, 32.31। ठीक है, तो हमने स्लोप एरिया पे वैल्यू निकाल दी, तो कितना आया हमारा F इजिकल टू -33077.36 न्यूटन। टोटल विंड लोड हो गया इतना, जिसमें आपको जो माइनस साइन होगा ये इंडिकेट कर रहा है सक्शन प्रेशर जनरेटेड। ठीक है, जो सक्शन प्रेशर जनरेट हो रहा है वो हमारा ये इंडिकेट कर रहा है। अब ये विंड लोड इंटरमीडिएट पॉइंट पर कितना होगा, दिस डिवाइड बाय 4, तो हमें आ गया 8.27 किलो न्यूटन। और अगर एंड पैनल में पॉइंट है तो कितना होगा, होगा डिवाइड बाय 2, ये हमने बताया था आपको। एंड के हम हाफ कंसिडर करते हैं और जो बीच वाले होते हैं ये तीन पॉइंट्स हम फुल कंसिडर करते हैं। जैसे ये ट्रस है हमारा, तो ये तीन पॉइंट हो गए, तो ये तीन पॉइंट आपके इंटरमीडिएट पॉइंट्स होंगे, तो उसमें फुल लोड लगेगा। और यहाँ का हम हाफ लेंगे, यहाँ का हाफ लेंगे, तो ये दोनों का जगह का हाफ लेंगे, तो हम डिवाइड बाय 2 कर देंगे इसको। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 4.13 किलो न्यूटन। ठीक है, ठीक है, सो गाइस दिस इज द फाइनल रिजल्ट। हम देख सकते हैं कि डेड लोड हमारा आ गया 2.95 किलो न्यूटन का, लाइट लोड आ गया हमारा 2.57 किलो न्यूटन का, और विंड लोड आ गया हमारा 8.27 किलो न्यूटन का। ठीक है, तो दिस इज द फाइनल रिजल्ट एंड दिस इज द एंड ऑफ दिस लेक्चर। सो गाइस अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगे तो प्लीज इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, और सभी लोग इस लेक्चर को देखें, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। तो गाइस थैंक यू, एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, एंड थैंक यू अगेन।